आज जब ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में आते हैं, एक लोटा पानी आने के बाद में ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से कहा है, जाओ और आप गंगा जल लेके आओ। गंगा जी कितने, गंगा जी? अब ब्रजवासी गंगा जी से जाते हैं, जल लेकर के आते हैं, तो वहां से यमुना गंगा काफी दूर थी। अब सारे ब्रजवासी थक गए हैं, तो शाम का वक्त हो गया है, कमर पे हाथ रख के खड़े हो गए, महाराज अब तो हमसे जल नहीं लाया जाएगा, फिर तो कुछ उपाय करिए। तो ठाकुर जी ने कहा सभी ब्रजवासी अपनी अपनी आंखों को बंद करें। जैसे ही आंखों को बंद किया है तो भगवान ने उसी वक्त भैया मानसी गंगा को प्रकट कर दिया है, जो बत्तिया सुर के उद्धार से हुआ था। बोलिए मानसी गंगा की जय, गोवर्धन महाराज की जय। अब ब्रजवासी सभी उसी वक्त गंगा में से जल लेते हैं, गोवर्धन को स्नान कराते हैं, करवाने के साथ साथ बहुत सुंदर प्रकार से स्नान करवाया, सभी ब्रजवासी खड़े हो जाते हैं, गुप गुप गायें खड़ी है, ठाकुर जी एक रूप से गोवर्धन के अंदर चले जाते हैं, समा जाते हैं, और दूसरे रूप से उन्हीं सभी के साथ में खड़े हो जाते हैं। और माई वो घरवाली का आज तो बुलाए ले सरकार। हाँ ये नाम कायद में घरवाली को परिचय जी शर्माते हैं पता है ए भैया, चलो मत बताओ भैया, अरे आवाज लगा देंगे तो आ जाएं। छटा तेरी तीन लोग से न्यारी है गोबर धनी महाराज, दासरी ताली को बजाते जाओ, अब आखिरी है ना, तो गोवर्धन का पूजन भी करेंगे और गुनगुनाते भी चलो। गोवर्धनी महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धनी महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी मानसी गंगा को स्नान चपलेश्वर को ध्यान, दान घाटी में दही को दान, इंद्र को मणि मर्दनी की हम।
तेरे
सन फट कट जाए, पूजा कर ले गोरा।